बिजली सार्फीन के लिए अच्छी खबर, बिजली के निरखों में 32 पैसे फी यूनिट कमी, कमी से सार्फीन को 2 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। शहर पर धुंध का कब्जा बरकरार, सर्दी की लहर ने घेरा डाल लिया, दर्जा हरारत गिरने लगा, कम से कम 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, मौसम की शिद्दत मामूलात पर जिंदगी असरअंदाज, हद निगाह में कमी से परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, ट्रेनें ताखीर का शिकार, मोटरवे को भी बंद कर दिया गया, महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का बाजार गर्म, बिजली की तलब 2000 मेगावाट, लेस्को के पास सिर्फ 1000 मेगावाट, गद्दू हेड ब्लॉकी और भिक्की पावर प्लांट से बिजली की पैदावार कम, सिर्फ लाहौर के 550 फीडर्स बंद हो गए, बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से आधा शहर अंधेरे में, कई इलाकों में 1 घंटा ब घंटा बिजली मुअत्तल रहने लगी, इस्लामपुरा, गुलशन रावी, सब्जाजार, इकबाल टाउन, मुगलपुरा, धर्मपुरा, शाहदरा और शादबाग समेत कई इलाके 5 घंटे बिजली से महरूम रहे, पानी की किल्लत के साथ साथ मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। गैस प्रेशर में कमी, चूल्हे ठंडे पड़ गए, एलपीजी माफिया की चांदी, 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाली एलपीजी 185 रुपए किलो पर फरोख्त, शहरियों के इंतजामिया पर शिकायत के अंबार, मुतबादल ईंधन लकड़ी और कोयले की मांग भी बढ़ गई, लकड़ी 800 रुपए फी मन और कोयला 70 रुपए किलो फरोख्त। वफाक के बाद पंजाब में भी यू टर्न, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान, हुकूमत हमजा शहबाज को चेयरमैनशिप देने पर राजी, चेयरमैनशिप के बदले कायमा कमेटियों की तश्कील और कानून साजी में मुआवनत मांगने का फैसला, सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत को पीटीआई क्यादत से ग्रीन सिग्नल मिल गया, असम्बली के इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुजाकरात का इम्कान। नून को बड़ा धचका, पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज गई, नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली मुजफ्फर अली शेख ने पार्टी पॉलिसी से बगावत कर दी, मुजफ्फर अली शेख की स्पेशल कमेटी 1 में शिरकत, 3 मुसवदात कानून की मंजूरी का भी हिस्सा बने। क्योंकि वो इंतहाई सेंसिटिव केस है और उन्हें अपनी बैरक से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उनकी जो भी कानून के तहत मशक्कत रखी गई है वो विदन बैरक ही रखी गई है, आगे बाहर जस्ट अपने कमरे को मेंटेन करना इस हद तक। नवाज शरीफ जेल में अपने कमरे की सफाई के खुद जिम्मेदार हैं, हसास कैदी हैं, बैरिक के अंदर मुशक्कत ली जा रही है, आईजी जेल खाना जात, नवाज शरीफ के खानदान के अफराद को 1 घंटा मुलाकात के लिए इजाजत मिल गई, मरियम नवाज, हमजा शहबाज अपनी दादी के हमराह कल कोट लखपत जेल में मुलाकात करेंगे, नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए इजाजत दी जाए, नून लीग की एडवाइजरी कमेटी के महकमा दाखिला को दरख्वास्त, गुज़श्ता हफ्ते भी किसी पार्टी रहनुमा को नहीं मिलने दिया गया, दरख्वास्त का मतन। एहतसाब हर सूरत होगा, ब्लैकमेल नहीं होंगे, हमारा कसूर नहीं करप्शन की गाजरें खाने वालों का इलाज हो रहा है, सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की फिर मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी, बोले 10 साल करप्शन की बारात मुफाहमत की ट्रेन पर सवार रही, 2018 के इलेक्शन ने मुफाहमत की ट्रैक रोक दी, कोई तब्दीली नहीं आ रही, ओपोजिशन को इसी तनख्वाह पर काम करने पड़ेंगे, अलहमरा में फनकारों में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब, सूबाई वजीर के खिताब के दौरान भी बिजली गायब। पीपल्स पार्टी की कयादत वफाकी हुकूमत पर बरहम, कमर जमान कायरा कहते हैं वुजरा किसी कानून को मानते हैं ना ही इदारे को, वुजरा से पूछा जाए कि वजीर की कंपनी को ठेका क्यों दिया, काम क्यों नहीं हुआ, कर्ज कई 1000 अरब बढ़ा दिया गया, जब चाहे हुकूमत गिरा दे मगर गिराना नहीं चाहते, इदारों में सियासी मुदाखलत से गवर्नेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चौधरी मंजूर बोले पंजाब में तमाम इतिहादी नाराज बैठे हैं, हुकूमत को बलूचिस्तान में 2, मरकज में 6 अराकीन की अक्सरियत है।
कोई किसी की हुकूमत नहीं गिरा रहा। अगले 5 सालों में पंजाब की पूरी आबादी को साफ पानी मिलेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का दावा, बोले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो जेल में ही साफ पानी मिल रहा है। नवा साल तमाम यूनिवर्सिटी सोलर सिस्टम पर करने का ऐलान, किसी यूनिवर्सिटी में सिफारिशी वाइस चांसलर नहीं लगेगा। चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मकबूल अहमद दौद का संग बुनियाद रख दिया। वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकात, गवर्नर पंजाब से सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट अगले साल अमल में आएगा, तरक्याती प्रोग्राम भी अलग होगा। वजीर आला पंजाब की वजीर खारिजा से गुफ्तगू। सरकारी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम, खोखर बरादरान के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। खोखर बरादरान ने जायदादों पर कितना टैक्स दिया, कितनी गाड़ियों के मालिक हैं, महकमा एंटी करप्शन एक्साइज से रिकॉर्ड मांग लिया। सैफ खोखर ने जमीनों का रिकॉर्ड एंटी करप्शन में जमा करा दिया। अफसल खोखर और सैफ मलूक खोखर तलबी के बावजूद पेश ना हुए। एलडीए एवेन्यू स्कीम में भी गैर कानूनी तामिया, 64 कनाल 15 मरले पर 11 बंगलों के नक्शों की गैर कानूनी मंजूरी का इंकशाफ। एलडीए का तहकीकात के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुसलसला। वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान से टैक्स रिकवरी का मामला, अलीमा खान ने तमाम टैक्स अदा करने के लिए 13 जनवरी तक की मोहलत मांग ली। अलीमा खान के जिम्मा 2,94,00,000 रुपए वाजिबुल अदा हैं। एफबीआर शहर की सबसे बड़ी सफाई कंपनी का अपना सफाया, फंड्स खत्म। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। कंपनी दिवालिया होने पर शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। खजाना खाली होने पर 2 तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स का काम से इनकार। कंपनी ने पंजाब हुकूमत से 1,14,00,000 रुपए मांग लिए। वजीर आजम की इमरान खान के उस्ताद जेफरी डिगलिस लिंग लैंड इंतकाल कर गए। जेफरी डिगलिस ने 25 साल एचिसन कॉलेज में खदमात सर अंजाम दी। वजीर आजम का ट्वीट पर इजहार अफसोस, कहा उस्ताद मोहतरम की रहलत पर दिल नहायत अफसरदा है। उस्ताद होने के साथ उन्होंने मुझ में कोई पेमाई का जौक भी जगाया, मुझे शमाली इलाकों का गर्विदा बनाया। तबीयत बेहतर होने पर मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना तारिक जमील अस्पताल से घर मुंतकिल। मौलाना तारिक जमील को गुज़श्ता रोज़ एंजियोप्लास्टी के दौरान स्टंट डाल दिया गया। गवर्नर पंजाब और मऊ ने खसूसी, वजीर आला ओन चौधरी ने अस्पताल में अयादत की। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ का भी मौलाना को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त। देही और बुनियादी मराकज सेहत में कम्युनिटी सतह पर प्राइमरी हेल्थ खदमात के इस्तेहकाम का फैसला। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। बड़े अस्पतालों की क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीमें देही मराकज सेहत का दौरा करेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। और भारतीय शहरी माली सासन की लाहौर के निजी अस्पताल में कामयाब विट्राटिक सर्जरी। 37 साल माली सौसन की पहली सर्जरी भारत में हुई जो नाकाम रही। डॉक्टर मुआज ने खातून की दोबारा कामयाब सर्जरी की। खातून का वजन 150 किलोग्राम है जो कम होकर 80 किलो रह जाएगा। भारत में सर्जरी से सिर्फ 15 किलो वजन कम हुआ।